तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी YouTube मित्रों का हमारे इस ब्लॉग पे फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हम अपने प्रतिदिन के कार्य को आपके साथ बांटते हैं, तो आज फिर से हम अपने माताजी के आदेशानुसार आ चुके हैं अपने खेतों साइड। आज हमारा कार्य है यहाँ पे जंगली सुअर जो कि अपना घर बना के रहते हैं, तो उनके जो हमारे खेत के मेड़ पे है तो उसकी कटाई छटाई करने का। तो अपने साथ हम लेके आए हैं अपनी खानदानी कुल्हाड़ी। जाने से पहले हमें यह दिखता है खतरनाक नाला जिसे हमें पार करके जाना है, लेकिन उससे पहले अपने खेतों का हाल देख के हमें रोना आ जाता है, क्योंकि बाढ़ की वजह से हमारे खेतों का धान बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो हम इन सब को छोड़ते हैं पीछे और जैसे पहुंचते हैं हम अपने घर के पास, तो देखते हैं कि हमने कुछ दिन पहले ही यहाँ पे गेंदे के फूल और तिरैया फूल लगाए हैं जो कि कुछ इस प्रकार अच्छे से दिख रहे हैं। तो इनको देखते हुए हम अपने इस छोटे से कुटिया को देखते हैं जहाँ पे हमने अपने बचपन बिताई है बगिया लगा के। तो देखते देखते हमें बचपन की याद आ जाती है, कैसे हम यहाँ पे खेलते थे, खाते थे और कैसे हम यहाँ पे मौज मस्ती किया करते थे। तो इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं पुरानी यादों को छोड़ते हुए। तो आगे बढ़ते हुए हमें याद आता है कि जब हम बचपन में छोटे थे तो इस नीम के पेड़ को हमने ही लगाया था जो कि आज इतना बड़ा हो चुका है, बस बिल्कुल हमारे जैसे। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे माता जी जो कि यहाँ पे पानी ना होने के कारण रोपाई नहीं हुआ था, तो वहाँ पे बाद में आकर रोपाई कर गई हैं ताकि धान यहाँ पे भी हो सके। आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं अपने खानदानी कुआं के पास जो कि बहुत ही गहरा है, जिससे देखने से ही डर लगता है, लेकिन यहाँ पे पानी भर चुका है जो कि बहुत ही गंदा है। देखने में गंदा है लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही मीठा है। तो इसे हम यहीं पर छोड़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो यह हमारा ताल सरोवर जहाँ पे हमने एक साल ही मछली पालन किया जो कि मुनाफा हुआ नहीं, सब चोरी हो गया, तो क्या करें, तब से हम छोड़ दिए। और यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है जो कि हमारे खेतों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी तक तो यह तालाब हालांकि बना हुआ है, फिर आगे भविष्य में होता क्या है यह तो नहीं पता। ऐसे ही हम अपने खेतों के देखते ताकते आगे जाते हैं। आगे बढ़ते हुए और एक आध दो हम सेल्फी भी निकालते हैं, क्यूट क्यूट सा, उतना अच्छा दिखता है नहीं फिर भी। और कुछ समय पश्चात हम पहुंचते हैं अपने कार्य स्थल के पास। तो यह जो आपको दिख रहा है इसी की कटाई रंधाई करनी है। यहीं पे जंगली सुअर निवास करते हैं और नीचे वाले खेतों का तहस नहस करके रख दिया है। तो आज इसी का पूरा विनाश करेंगे और इसके बाद जाएंगे घर। तो कार पूरा समाप्त करके हम जाते हैं घर साइड। तो देख सकते हैं हमारे घर के पहले का नज़ारा है। घर पहुंचते ही हम घर के अंदर प्रस्थान करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे छोटा भीम को जो कि आराम से सोया हुआ है, क्योंकि उसको काम की पड़ी नहीं है, काम तो हमें करना पड़ता है। उसकी सिस्टर भी यहाँ पे बहुत मजे से सोई हुई है। तो अब हम इनको डिस्टर्ब ना करते हुए हम बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकलते ही हमें दूसरा काम मिलता है, लेकिन उससे पहले सोचते हैं अपना फेस देख लें। लेकिन ये क्या, हमारा फेस तो ब्लर आ रहा है। तो अपने कैमरा को साफ करते हैं तब थोड़ा क्यूट दिखते हैं, है तो नहीं फिर भी हम दिखते हैं। और ये हमारे द्वारा किया गया पेंटिंग है जो कि अब ये नहीं बता सकते कैसा दिख रहा, लेकिन वो तो आपकी बताएंगे कमेंट में कि कैसा दिख रहा, अच्छा है या ख़राब। हमने तो पूरी कोशिश की है अच्छा बनाने का यहाँ पे। और यह हमारे द्वारा, ये हमारे घर का एक डेकोरेशन है जो कि हमने ही अपने दीवार पे बनाया है। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चलती फिरती मछली बना दी दीवार पर ही। तो कुछ समय पश्चात घर का काम निपटा के हम जाते हैं अपने खेतों साइड, खेतों साइड जो कि हमारा एक बंधा पड़ता है वहीं पे घूमने। हम जब पहले आए थे यहाँ पे पानी भरा नहीं था, अब पानी भर चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो इन्हें हम देखते देखते आगे जाते हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पे दो तीन बालक बैठे हुए हैं, हमें ये तो पता होता नहीं है कि ये लोग करके आ रहे हैं, लेकिन हम जब आगे जाएंगे तब पता चलेगा कि यह बालक इस डरावनी जगह पे क्या कर रहे हैं। जब हमें डर लगता है तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं।
तो हम देखते हैं कि इनके हाथों में मछली फंसाने वाला हथियार है। तो हम इनसे पूछते भी हैं कि काठू मिला था हमको, कोई जवाब मिलता नहीं है। तो फिर कुछ समय पश्चात पहुँचते हैं मागे साइड। यहाँ पे बच्चे थे लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े, एक नहीं बल्कि 3-4 लोग हैं जो कि आराम से बैठ के यहाँ पे पंप द्वारा पानी हटा के मछली पकड़ने की व्यवस्था बना रहे हैं। जैसे बकुला बैठा रहता है अपने मछली के ताक में, वैसे यह भी। तो वहीं फिर से निकालते हैं सेल्फी, फिर निकल पड़ते हैं हम अपने शाम को काम की ओर। हमें ऑर्डर मिला है एक पेंटिंग का, तो हम उसी के लिए निकल जाते दूसरे गाँव। ये हमारा सामान है पेंटिंग का, जो कि कुछ इस तरह है। हम छोटे से पेंटर है तो छोटा सा सामान है, तो उसी के साथ हम इस पेंटिंग को यहाँ पे शुरुआत करते हैं और आधा काम कर चुके हैं। फिर दूसरे दिन आते हैं, तो दूसरे दिन आके जो हमारा बचा हुआ काम है उसको भी यहाँ पे पूरा करते हैं। हालांकि अभी काम हमारा अधूरा ही हुआ है, लेकिन हम उसको करते हैं। तो देख सकते हैं कैसा दिख रहा, तो कमेंट में बताएं कि कैसा दिख रहा हमारे जैसे छोटे मोटे पेंटर का। तो ऐसे ही मेरी दिनचर्या भरे ब्लॉग से बने रहने के लिए मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आप सभी YouTube मित्रों का हमारे इस ब्लॉग पे फिर से स्वागत है। तो जैसे कि हम अपने प्रतिदिन के कार्य को आपके साथ बांटते हैं, तो आज फिर से हम अपने माताजी के आदेशानुसार आ चुके हैं अपने खेतों साइड। आज हमारा कार्य है यहाँ पे जंगली सुअर जो कि अपना घर बना के रहते हैं, तो उनके जो हमारे खेत के मेड़ पे है तो उसकी कटाई छटाई करने का। तो अपने साथ हम लेके आए हैं अपनी खानदानी कुल्हाड़ी। जाने से पहले हमें दिखता है खतरनाक नाला जिसे हमें पार करके जाना है, लेकिन उससे पहले